हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ झारखंड राज्य के रामगढ़ ज़िला के बारे में। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप अपने ज़िला के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन पर दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, रामगढ़ ज़िला, यह ज़िला भारत देश के झारखंड राज्य में स्थित झारखंड के 24 ज़िलों में से एक रामगढ़ ज़िला के नाम से जाना जाता है। रामगढ़ ज़िला झारखंड राज्य के उत्तर पूर्व दिशा की ओर का ज़िला कहलाता है, जिसके वजह से इस ज़िले की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से मिलती है। इस ज़िले का हेडक्वार्टर ऑफिस रामगढ़ शहर में मौजूद है और रामगढ़ ज़िला उत्तरी छोटा नागपुर मंडल के अंतर्गत आता है। रामगढ़ ज़िला पहले झारखंड के हजारीबाग जिले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब रामगढ़ को हजारीबाग जिला से अलग किया जा चुका है। इस ज़िले का गठन 12 सितंबर 2007 में हजारीबाग जिला के बंटवारे के समय किया गया था। रामगढ़ ज़िला में एक तहसील, 6 ब्लॉक, 1 लोकसभा, 3 विधानसभा, 143 पंचायतें और 351 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो झारखंड के रामगढ़ ज़िले का कुल क्षेत्रफल 1211 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस ज़िला में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 169,975 के करीब है। और बात करें आबादी की तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार इस ज़िले की कुल आबादी 9,50,000 के करीब है, जिसमें कि पुरुष की कुल आबादी 4,94,500 और महिला की कुल आबादी 5,55,500 के करीब है। इस ज़िले का औसत लिंगानुपात 921 के करीब है, यानी कि यहाँ पर 1,000 पुरुष पर 921 महिला हैं। रामगढ़ ज़िला में हिंदू धर्म की आबादी 7,70,000 और मुस्लिम धर्म की आबादी 1,32,000 है, जो कि हिंदू धर्म की आबादी यहाँ के आबादी के 81% और मुस्लिम धर्म की आबादी 14.5% है। रामगढ़ ज़िला के मुख्य नदी का नाम दामोदर नदी है। दामोदर नदी के किनारे पर बसा यह ज़िला झारखंड की राजधानी रांची से महज 49 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 1166 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। शिक्षा की बात करें तो इस ज़िला में 9 डिग्री कॉलेज, 82 इंटर कॉलेज, 1064 प्राथमिक विद्यालय, ये सभी इतने विद्यालय इस ज़िला में मौजूद हैं। वैसे ज़िला के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: छोटा नागपुर कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जुबली कॉलेज, राधा गोविंद टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, ये सभी रामगढ़ ज़िला में मौजूद हैं, जो आसपास के बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मुहैया प्रदान कराते हैं। व्यवसाय की बात करें तो इस ज़िले का मुख्य व्यवसाय खेती है। यह ज़िला काफ़ी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। पहाड़ व झाड़ियों में यह ज़िला बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प है। दामोदर नदी के किनारे पर बसे होने के कारण यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है और यहाँ के लोग काफ़ी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर निर्भर करते हैं। सड़क रास्ते की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं जिससे यहाँ से झारखंड के और पश्चिम बंगाल के बड़े बड़े शहरों में अच्छी तरह से पहुँचा जा सकता है। इस ज़िला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 23, नेशनल हाईवे संख्या 33 जो रांची धनबाद कोलकाता को जोड़ती है और कई ऐसे छोटे बड़े और सड़क, राष्ट्रीय मार्ग और नेशनल मार्ग संख्या हैं, जिससे यहाँ के वाहन और चालकों को बहुत ही आसानी होती है। वैसे यह ज़िला बस के माध्यम से भी पड़ोसी ज़िला और ज़िला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराता है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो इस ज़िले का मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम रामगढ़ कैंट रेलवे स्टेशन है और रामगढ़ कैंट इंडियन ईस्ट साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के रांची डिवीज़न के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा और वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।